हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी चर्चा में हैं। उनके खिलाफ रिपोर्टों का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में विदेशी मीडिया में उनके ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट में भी हिंडनबर्ग जैसे ही आरोप थे। ऐसी रिपोर्ट जिसमें ये दावा किया गया कि अडानी ने गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीद कर भारतीय शेयर बाजार में सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश किया। इसमें विनोद अडानी के इन्वॉल्वमेंट से लेकर सेबी पर भी अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं। सेबी के नियम में कंपनी के प्रमोटर 75% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकते हैं, बाकी 25% पब्लिक के पास होना ही चाहिए। तो तीन कंपनियों में पब्लिक के हिस्से के 12-14% तक शेयर अडानी ग्रुप के पास चोरी छिपे खरीदने का आरोप है। दूसरा आरोप है कि अडानी पार ने प्लांट लगाने के लिए जो मशीनरी खरीदी थी उसका बिल बढ़ा चढ़ाकर दुबई की एक कंपनी को चुकाया। ये पैसा बाद में शेयर बाजार में लगाने का आरोप है। इन दोनों आरोपों के जड़ विनोद अडानी को माना जा रहा है। कौन है विनोद अडानी, इनकी पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। गौतम अडानी मिलाकर 5 भाई हैं। आर.एन. भास्कर की किताब के मुताबिक गौतम और राजेश ही अडानी ग्रुप का रोजमर्रा का काम देखते हैं, जबकि विनोद अडानी ग्रुप के फाइनेंस का काम दुबई से देखते हैं। 74 साल के विनोद अडानी दुबई में काम करते हैं, जबकि वो स्थायी तौर पर सिंगापुर के निवासी हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने 1976 में मुंबई के पास एक टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। इसके बाद 1989 में वो सिंगापुर चले गए। बाद में उनका कामकाज 1994 में दुबई पहुंच गया। विनोद अडानी के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रेडिंग करने में उस्ताद हैं। चीनी, तेल और तांबा वो प्रमुख जीन्स हैं जिनमें उनका ट्रेडिंग का अच्छा खासा अनुभव है। अडानी ग्रुप में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। उनकी नेटवर्थ करीब 1.3 अरब डॉलर है। यही वजह रही कि 2022 में वो सबसे अमीर NRI भी रहे। अडानी ग्रुप ने बताया कि विनोद अडानी के कंट्रोल वाली एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने ही असलियत में अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। अब ये दोनों ही कंपनियां अडानी ग्रुप का हिस्सा है। विनोद अडानी ग्रुप के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से पैसा जुटाने और नेगोशिएशन में मदद करते हैं। विनोद अडानी का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। साल 2016 में उनका नाम पनामा पेपर लीक में सामने आया था। इस रिपोर्ट में 2 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों की वित्तीय यानी फाइनेंशियल जानकारी डिटेल भी दी गई थी। इसी में बताया गया था कि जनवरी 1994 में उन्होंने बहामास में एक कंपनी बनाई थी। कंपनी बनाने के 2 महीने बाद ही उन्होंने कंपनी के दस्तावेजों में अपना नाम विनोद शांतिलाल अडानी से बदलकर विनोद शांतिलाल शाह कर लिया था। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में विनोद अडानी का नाम 151 बार आया है, बल्कि गौतम अडानी का नाम 54 बार आया है। भले वो अडानी ग्रुप का किसी कंपनी से सीधे नियंत्रण नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी भूमिका होने से अडानी ग्रुप भी इनकार नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विनोद अडानी और उनके सहयोगी ने मॉरिशस में दर्जनों कंपनियां बनाई जिनकी असल में कोई कॉरपोरेट प्रेजेंस नहीं है। कुछ ऐसे ही कंपनियां साइप्रस, सिंगापुर, कैरेबियन और UAE में बनाई है। इन कंपनियों के अडानी ग्रुप के साथ कुछ संदिग्ध लेन देन किए हैं। वहीं अडानी की कंपनियों के शेयर्स का भाव बढ़ाने में भी इनकी भूमिका रही है। अब आते हैं ताजा रिपोर्ट पर। इसमें 3 लोग हैं, विनोद अडानी, संयुक्त अरब अमीरात के नासिर अली, शबन अहली और ताइवान के चांग चुंगलिंग। नासिर और चांग अडानी ग्रुप से जुड़ी कंपनियों से जुड़े हैं। DRI की जांच में भी इनका नाम आया था। चांग चुंग ने सिंगापुर में जो अपना पता दिया है वो भी विनोद अडानी का ही पता है। 2017 में अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पार, अडानी ट्रांसमिशन, नासिर अली और चांग चुंग के शेयर 13-14% के आसपास थे। ये शेयर मॉरिशस के जो फंड खरीद रहे थे उन्हें सलाह देने का काम विनोद अडानी से जुड़ी कंपनियां करती थी। इसके बदले में फीस भी लेती थी। नियम कहता है कि प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। कागज पर अडानी ग्रुप के पास इन 3 कंपनियों में 75% से कम शेयर है। अगर ये साबित हो जाता है कि नासिर और चांग अडानी की तरफ से ही शेयर होल्ड कर रहे थे तो कानून का उल्लंघन होगा। दरअसल नियम कहते हैं कि कंपनी के जो 25% शेयरों को फ्री फ्लोट
रखा जाना चाहिए, जिसका मीनिंग ये है कि वे स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक व्यापार के लिए उपलब्ध होगा, जबकि 75% प्रमोटर के पास ही हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी के साथ अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी या संबंध की घोषणा की है। विनोद अडानी को हाल ही में समूह द्वारा एक प्रमोटर के रूप में स्वीकार किया गया है। अडानी ने अपनी पावर कंपनी के लिए सामान दुबई की कंपनी के जरिए खरीदा, सामान का बिल बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, दुबई की कंपनी से रूट होकर यही पैसे शेयर बाजार में लगा दिए गए। दुबई की कंपनी के तार भी विनोद अडानी से जुड़े हैं। कंपनी चोरी छुपे अपने शेयर नहीं खरीद सकती है, इसी की जांच DRI ने 2014 में सबसे पहले शुरू की थी, बाद में क्लीन चिट उनको मिल गई। इस मामले में विनोद अडानी ने अभी कुछ नहीं कहा है। वहीं अडानी ग्रुप ने OCCRP को दिए एक बयान में कहा कि उसके रिपोर्ट ने मॉरिशस के जिन फंड्स की जांच की है उनका नाम पहले से ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में था। यह आरोप आधारहीन है और इनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। यह आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही उठाए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां सख्ती से कानूनों का पालन करती है, इनमें पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़े रेगुलेशन भी शामिल है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।